फूलो तसी टोले ओम मनी पद्मे ओम। बुद्धिज्म के बारे में आपको जानना जरूरी है, सभी को मैं नहीं कहता। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ बुद्धिज्म, आप लोग जरूर कमेंट करेगा अपने अपने हिसाब से। ड्रोन शॉट वीडियो लिया गया था किशोर पैगो एंड उपेसना दिहेंगे के थ्रू, काफ़ी खूबसूरत से लिया गया है दोनों ने। तो ये कहता है जैसे शार्शलिंग गुम्बा है मतलब ईस्ट, और सनरेस इसका मतलब है ईस्ट का तरफ से सनरेस हो रहा है गुम्बा पे। तो द ड्यूटी ऑफ नेचर आप देख सकते हो इस गुम्बा को। बुद्धिज्म अकॉर्डिंग टू मी ये है स्वयं को जानना, आपको अनुभूति खुद को एक्सपीरियंस करना और खुद को एक्सप्रेस करना लोगों के साथ, जो अपने अंदर से जो रियली फीलिंग्स जो आया उसको कहता है। और बुद्धिज्म इट नॉट ए रिलीजन, इट्स आई थिंक नॉलेज और विजडम, और उसी विजडम और नॉलेज को हम लोग संबोधित करते हैं और सम्मानित करते हैं और सब लोग उसको फॉलो करते हैं। आई थिंक वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन में से एक है बुद्धिज्म कम्युनिटी। तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लेना चाहिए किसी भी ओल्ड रिलीजन्स को खराब पा रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हर एक इंसान के अंदर बुद्धिज्म से लाइक ए मॉन्क, सब लोग सोचते हैं अंदर से अनुभूति, उसी को कहते हैं सिंपली। और ये गुम्बा 3 acres से फैला हुआ है, उससे भी ज़्यादा, विथ 3 gardens और ग्रीनरी नेचर के साथ। लोकेशन आपको 92 legends पहले से भी पड़ेगा, डिकोमिया विलेज है, सैलरली बकलो नेचर एली जो है 786191 डिब्रूगढ़ आसाम इंडिया पे पड़ता है। द ब्यूटी इन आसाम, और आप जो ये नेरो रोड देख रहे हैं ये हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे तक कनेक्टिविटी हो जाता है, जिससे आप कहीं भी जा सकते हैं। रोड साइड पे गुम्बा है, काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, और ये प्रकृति का नज़ारा देखिए, कल्टिवेशन एरिया, साथ में आप टी गार्डन भी देख सकते हैं आसाम का, और वो छोटा सा मार्केट विलेज एरिया का है, जो भी आप शॉपिंग ग्रोसरी कुछ भी खरीद सकते हैं वहाँ से। और ये टी गार्डन इन आसाम का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जहाँ पे वेलकमिंग किया जाता है एक स्पिरिचुअल मॉन्क को जो आया था, जो काफ़ी लोगों ने उसको वेलकम किया, लगभग 200 से लगभग। और यहाँ पे कुछ धूप धुना से और हम लोग खाते लिए सब लोग खड़े हुआ है लाइन पे, जिससे एक अच्छे माहौल बने। और उसको रास्ते दिखाया जाता है जिसको स्पेशल मौक़ों को क्लियर किया जाता है, जैसे वो चलते हैं तो कोई असिस्ट करता है, सारे मौक़ जो हेल्प कर देते हैं जिसको वो अच्छे से क्लियरली आए, और संग्स वगैरह बजाया जाता है। यहाँ पे माना जाता है कि जो भी ब्लेसिंग मिलेगी ऐसा खड़ा होता है तो काफ़ी लकीएस्ट पर्सन माना जाता है। तो बहुत लोगों को नहीं मिलता, ये बहुत रेयर मोमेंट होता है। और स्पेशल मॉन्क का नाम था लकपा बोमजिन, दार्जिलिंग कालेपुंग से था। ऐसा वेलकम करते हैं हम लोग एंटर होने से पहले, जैसे आप लोग टेम्पल बोलते हैं हम लोग गुम्बा, तो कोई दही होता कोई मिठास की है ना, उस तरह से आप लोग वेलकम किया जाता है। और अपने हिसाब से जैसे वहाँ पे एंटर होता है गुम्बा पे, तो वो प्रेयर करते हैं अपने हिसाब से, और जो भी उसको अंदर से जो फीलिंग्स है वहाँ पे अपना एक्सप्रेस करते हैं उस गुम्बा को। उसके बाद उसको आसन ग्रहण करने सारे मॉन्क्स असिस्ट करता है, और वो विराजमान होते हैं अपने सीट पर। मोंग ने हम लोगों को जैसे विराजमान हुआ, सभी को एक मिठास कुछ आई थिंक खजूर या डेट्स ऐसे कुछ था जिससे वो दिया, काफ़ी अच्छा लगा उसको खा के भी। तो मैंने भी लाइन पे लगा, सारे को लाइन वाइज जाना पड़ा, और उसको फाइनली, यहाँ पे कैमरा में नहीं था तो आई थिंक यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेशन आ गया, उसके लिए आपको माफ़ी चाहता हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स फाइनली मुझे भी मिला, और उसके बाद
हम लोगों को ब्लेसिंग दिया विथ खाता जो आप देख रहे हैं, ये वाइट वाइट कलर का उसके हाथों से पहना जाता है गर्दन पे, और वो एक काफ़ी लकी माना जाता है। उसके लिए भी सारे लोग लाइन पे लगना पड़ा, और उसके बाद देखिए फाइनली मैं भी लाइन पे आ गया और मुझे भी वो ब्लेसिंग फाइनली। मिल गया। एंड उसके बाद माहौल एक काफ़ी पॉजिटिव से था और काफ़ी अच्छा था, जिसको सारे लोगों का एक फाइव्स हो रहा था। सो सारे लोग फ्लोर पे सीट हुआ, उसके बाद कुछ फ्लोर पे कोई मैट पे सारे लोग वहाँ पे सीटिंग हुआ, और मॉन्क्स ने आफ्टर कंप्लीटेड ब्लेसिंग करके, ये था मैम जो आया था उस मॉन्क के साथ, उसके बाद कुछ प्रे किया मॉम ने कुछ मंत्र के साथ। आफ्टर कंप्लीट स्पीच स्पिरिचुअल मॉन्क के थ्रू, उसके बाद तापचुंग कहते हैं, मतलब बुद्धिस्ट कम्युनिटी में एडमिशन होना, उसके लिए हेयर कट करना पड़ता है, मुंडी का छोटा सा बाल कटता है बाय सीजर से, है ना। उसके बाद आप एक बुद्धिजिन कम्युनिटी में परमानेंटली फॉलोअर हो जाते हो अंटिल टू डाई, और उसके लिए स्पेशल नेम भी दिया जाता है आपको, हमेशा याद रखना होता है। तो सबको सीरियल वाइज काटा गया यहाँ पर, और उसके बाद आप एक बुद्धिजिन परमानेंटली फॉलोअर हो जाते हो। और यहाँ ये भी कहना है आफ्टर मेरिट बिफोर मेरिट आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, जैसा कि आपका माता पिता एक ही होता है, उसी तरह इसी में भी आपको रिलीजन्स कोई भी हो तो उसी को फ्लो करना पड़ता है। अगर कर रहे हो चेंज तो आपका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा और मुक्ति नहीं मिलेगा, ये माना जाता है। तो आपको कभी भी एक इंसल्ट कर रहे हो उस रिलीजन को या कम्युनिटी को कहा जाता है। तो ये था कुछ बुद्धिज्म कम्युनिटी के बारे में। तो यहाँ अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विथ लव एंड रिस्पेक्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।